शीला क्या है ये? मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। राजू तुम अपनी हद से ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हो, आने दो अस्तर को, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। क्या कंप्लेंट करोगी, अदला हमें भी तो बताओ। यही कि राजू मुझे हमेशा छेड़ता रहता है और अब तो अश्लील हरकत भी करने लगा है। जाओ जाओ कर देना, सर तो खुद लाली मैडम के चक्कर में पड़े रहते हैं, अगर उन्होंने कुछ ऊपर नीचे किया तो सीधे जाकर प्रिंसिपल को बोल दूंगा। बच्चों क्यों शोर मचा रहे हो, शांति के साथ बैठो। लाली मैडम राजू मुझे छेड़ रहा है, ये क्या सुन रही हूँ मैं राजू? लाली मैडम मैं बबलू के टकले की कसम खा के कहता हूँ कि मैं शीला को नहीं छेड़ रहा था। ताले कदम खानी है तो अपने पिथवाले की कदम खा के बोलना, धोती कदम खाकर मेरे इकलौते टकले को खतरे में क्यों डाला है? साले कबूतर, ना मैंने झूठी कसम खाई है और ना ही मैंने शीला को छेड़ा है, मैं शीला से प्यार करता हूँ और मैंने शीला को अपना प्रेम पत्र भेजा है। राजू तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। लाली मैडम ये देखो, इसने मुझे ये अश्लील मैसेज भेजा है। राजू स्कूल में ये सब बदतमीजी नहीं चलेगी, कल अपने पेरेंट्स को लेकर ही स्कूल आना, तुम्हारी ऐसी शिकायत करूंगी कि ये आवारा पागल दीवारे जैसी हरकत करना बंद कर दोगे। पापा क्या कर रहे हो? झक मार रहा हूँ, तुझे क्या है? तू बता क्या काम है? कल आपको मेरे साथ स्कूल चलना है, स्कूल में आपको बुलाया है। मुझे स्कूल जाना है, वो भी तुम्हारे साथ? सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है पापा, बस आपको सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं। वो स्कूल में मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए ना, तो मुझे भी सम्मानित करेंगे और साथ साथ आपको भी सम्मानित करेंगे। अच्छा सम्मानित करेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मेरा नालायक बेटा स्कूल में अच्छे अच्छे काम करता है। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, बस मुझे सुबह सुबह जगा देना और चाय पिला देना, ऐसा है कि बिना चाय पिए मुझे प्रेशर नहीं आता है। ठीक है पापा मैं जगा दूंगा, तब तक आप झक मारो, मैं जाता हूँ सोने। बबलू तुम्हारा दोस्त राजू कहाँ है? क्लास छोड़ के भाग गया क्या? लाली मैडम मैं मर्द का बच्चा हूँ और मैं भी मर्द ही हूँ, बस थोड़ा सा छोटा हूँ। यानी मेरा दोस्त लादू तोता मर्द है। और मर्द अपने वायदे से भागते नहीं है, मैंने वायदा किया था कि अपने बाप को लाऊंगा तो ले आया हूँ अपना इकलौता बाप। नमस्कार लाली मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अब आप इतने खूबसूरत हो तो ठीक ही होंगी, खराब तो मेरी किस्मत है कि मेरे खूंटे से भैंस बंधी है और हिरनिया यहाँ जंगल में खुलेआम घूम रही है। क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मुझे आपकी बात समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे चुपचाप समझ कर यहाँ से चलते बनो, नहीं तो ऐसा समझाऊंगी कि समझने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आए? मैंने जो इतना समझाया कुछ समझ में भी आया कि सिर्फ आए आए ही करोगे? देखिए मैडम, अब पहली बात कि आप इतनी खूबसूरत हो जितनी कि चंपा रानी भी नहीं है, अब आपको देखकर मेरे दिमाग ने वैसे ही काम करना बंद कर दिया, ऊपर से आप अगिया बैताल जैसी आग उगल रही हो और इतना तेजी से उगल रही हो कि बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। जरा आराम आराम से, हौले हौले धीरे धीरे बोलो ना, अब मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। देखिए आपका लड़का बहुत बदतमीज हो गया है, क्लास में लड़कियों को छेड़ रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसे बहुत पीटूंगी। अरे सारा हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी ने भी किसी को नहीं छेड़ा, हम आज तक अपनी पत्नी को नहीं छेड़ पाए। अरे पत्नी छोड़ो, चंपा साली को नहीं छेड़ पाए और मेरा लौंडा क्लास में लड़की को छेड़ रहा है।
अरे ये तो चमत्कार हो गया, आज तक हमारी साध पुश्तों ने जो नहीं किया वो रजवाने कर दिखाया। अरे इसे पिटाई नहीं, इसे तो मिठाई खिलानी चाहिए। क्या पापा आप इतने महान हो, मुझे पता नहीं था, मैं तो हमेशा आपको शैतान समझता रहा, आप तो देवता निकले। अब तो मैं हर रोज आपके चरण धो के पीऊंगा, रोज सुबह प्रणाम करूंगा और सोते समय आपके पैर भी दबाऊंगा पापा। आपका लड़का जितना बदतमीज है आप उससे भी ज्यादा बदतमीज हो। क्या खाकर ऐसा बेटा पैदा किया था? क्या खाया था अब वो तो याद नहीं, काफी पुरानी बात है, लेकिन मैंने जो खाया था आप मत खाना, नहीं तो आपके यहाँ भी एक रजुआ पैदा हो जाएगा और फिर क्लास में किसी को छेड़ेगा। ओ अंकल हेलो, राजू ने मुझे छेड़ा है और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, चीर दूंगी। हैं? ये देखो उसने मुझे क्या दिया था। रजुआ? ये मैं क्या देख रहा हूँ, इधर आ मेरे पास। ये दिल में तीर से छेद वाला लव लेटर बनाना कब सीखा बे? और सीखा तो सीखा, मुझे क्यों नहीं सिखाया? एक लव लेटर मैं भी लिखता ना चंपा रानी को। बेटा तो नंबरी है ही, बाप भी 10 नंबरी है। खबरदार मैडम, जो मेरे बाप को कुछ कहा तो, मेरा बाप मेरा देवता है और मेरे देवता को कोई ऐसा बोले तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। राजू अब मत बोल लाली मैडम को कुछ, मेरा दिल उन पर आ गया है और जिस पर दिल आता है उसकी बातों को दिल से नहीं लगाते हैं, उसको दिल से लगाते हैं। आओ मैडम मेरे दिल से लग जाओ। क्या चल रहा है यहाँ? आओ तलाओ, यहाँ पर आपके प्यार का पंतनामा चल रहा है। अब मेरा प्यार तो लाली मैडम है और वो तो यहाँ जिंदा दिख रही है। मैं जिंदा हूँ लेकिन आज मैं किसी को मार डालूंगी। अरे एक मरे हुए को क्या मारोगी मैडम, आपकी अदाओं पर मैं तो पहले ही मर मिटा हूँ। अरे वो मजनू की औलाद? वो मजनू की औलाद नहीं है, वो मजनू का बाप है और मैं मजनू हूँ और शीला मेरी लैला है। यहाँ हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? मैं बताती हूँ सर, कल आप आए नहीं थे और राजू ने मुझे छेड़ा था। वो तो मैं जिस दिन आता हूँ उस दिन भी छेड़ता है।